प्योर क्या कर दिया मेकअप ना मेरे पेट में। हालत दिखा दो कितनी गंदी हो चुकी है। खड़ी है उधर, उसका भी एसी करवा। चिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, एसी देखा पूरा पसीना, कोई कांच की डिक्की होती है। तो मेरा ये एंटीना कौन मोड़ देता है पता। ये देख लिया पापा मौज कर दी। कैसे भाई? अरे पापा मारती है अभी अभी तुझको बताता हूँ, छोटे भाई रुक। ठीक है तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज पीयू नहीं गई है स्कूल। क्यों नहीं गई स्कूल? क्योंकि पीयू के स्कूल की है छुट्टी, चार दिन छुट्टी। अब जाना है पीयू को मंडे को स्कूल। अब घर में कोई नहीं, अब करते हैं पीयू और मैं मस्ती, देखेंगे अपना व्लॉग, पहले प्रीवियस व्लॉग देख लेते हैं फिर करते हैं स्टार्ट, क्योंकि घर में सब आ जाने। तो फिर आज शायद गाड़ी वाड़ी भी धुलवाने जानी, काफी गंदी हो चुकी है। देखते क्या करते हैं, स्टार्ट करें पीयू व्लॉग। चलो स्टार्ट। ये टक टक करती रहती है। पीयू ने क्या कर दिया मेकअप ना मेरे पेट में डाल दिया। देख रहे हो? देखो अबे टीवी फूट जाएगा। टीवी इसको सही से रखो, रुको है ना। बॉल ही दो उड़ गया दिखा। ये बॉल का ऊपर वाला कहाँ गया? एक ये रहा। पीयू का बॉल दो भाग में पट गया। ला ला ला। चलते हैं अब गाड़ी धुलवाने के लिए, और उसका एसी भी चेक करवाना है अर्टिगा का। बाकी रूम वाला एसी तो सही कूलिंग कर रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं, बाकी दो दिन का देख ही लेंगे क्या दिक्कत आ रही। तो गाड़ी का जरूरी है वो करवाना, पहले धुलवा के देख लूंगा रेडिएटर वगैरह पानी मरवा के कि एसी कूलिंग कर रहा नहीं कर रहा, तभी उसमें चेक करूंगा। ऐसे मुझे देखता हूँ क्या कहता है। चलते हैं फटाफट गाड़ी धुलवाने, बहुत दिन हो गया, गाड़ी इतनी गंदी हो गई ना। चलता दिखाता हूँ। गाड़ी के पास तो आ गए थे, गाड़ी की हालत दिखा दो कितनी गंदी हो चुकी है। पीछे देखो ये सब देख रहे, और आगे तो छत वगैरह सारी ऐसे मतलब, और अंदर भी गंदगी है। ये देखो अंदर पूरी गंदगी है, इसके साफ करवाते हैं इसको। बट मतलब बारिश हुई थी जिस हिसाब से, ऐसे ऐसे पानी जो है ना वो तो बारिश हुई है। और उससे पहले करेंगे गाड़ी को ठंडी, तभी ये रुका हुआ हूँ। पहले 5-10 मिनट गाड़ी को खड़ी करके ठंडी करें, तभी घुसूंगा। तो इतनी हिट होती है ना, बैठा नहीं जाता और पिछवाड़ा जल जाता है। इसे खोल दिए ताकि गर्म हवा निकल जाएगी, फिर ये थोड़ी देर में बंद कर दूंगा ना, तो फिर ठंडी हवा बन के सीटें वगैरह ठंडी हो जाएगी। बाकी सीटी खड़ी है उधर, उसका भी एसी करवाना पड़ेगा मुझे ना एक बार, क्योंकि उसका भी एसी हिट में कट मार देता है। शीशे कर दिए हैं बंद, अब हो जाएगी 5-10 मिनट में, छोड़ते हैं ठंडी हो जाएगी फिर बैठे। गाड़ी हो गई है ठंडी, अब चलते हैं धुलवाने के लिए। बाकी आवाज़ आ रहा है ना आपको, देखा ब्लोवर का वो ज़्यादा ही तेज आ रहा हो, क्योंकि मैंने चार पे कर रखा ब्लोवर, तब भी गाड़ी का एसी चिल नहीं कर रहा। इसका ना एसी की सर्विस इसकी भी करवानी पड़ेगी और सीटी की भी करवानी पड़ेगी, तो करवाते हैं दोनों गाड़ी का। पहले आज इसको पहले रेडिएटर पर पानी मरवा के देख लेता हूँ, कहीं अगर चल गया तो ठीक है, ना तो फिर सर्विस करवानी पड़ेगी। इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसका पीछे भी जो कैबिनेट है ना, ये भी रिपेयर सर्विस होगा और आगे वाला भी सर्विस होगा, तो इसमें थोड़ा पैसा लगेगा ज़्यादा। आज हवा चल रही है हमारा आज देश का, तो देखो मस्त लग रहा है ना। बाकी भाई चिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, एसी देखो पूरा पसीने चल रहे हैं अंदर बैठे बैठे भी। आज नहीं हो रहा तो कल करवा ही लूंगा गाड़ी का। और राजू भाई बढ़िया, यार गाड़ी धो दोगे? कितना टाइम लग जाएगा? गाड़ी है दो, इसके बाद दो और है, इसके बाद दो और है, सही बोल लो। सही में कितना टाइम लग जाएगा तब भी? वो अपने घंटे में नंबर आ जाएगा। एक घंटे में पक्का? एक घंटे में नंबर आ जाएगा? चलो ठीक है वेट कर लेते फिर एक घंटा। तो अभी 3 बज चुके, 4 बजे नंबर आ जाएगा, कोई नहीं वेट कर लेते हैं। गाड़ी धुलवाना जरूरी है, बहुत गंदी हो गई ना, और एसी भी नहीं काम कर रहा, उसका रेडिएटर पानी मरवा लेंगे। देखो ये आई है ब्रियो, होंडा की ब्रियो गाड़ी है ये, देखो ना ब्रियो। इसमें देखो कांच की डिक्की होती है, स्पेस तो ठीक है लेकिन डिक्की अच्छी है, कांच का पूरा लोहे कांच। मेरे लिए अपनी गाड़ी का नंबर आ गया है, तो पहले लगेगा वैक्यूम, तो पहले हवा लग जाएगी फिर होगी साफ। अब मैट लगा देंगे, वैक्यूम हो गया ना, मैट तो साफ हो गया पूरा, यहाँ मिट्टी मिट्टी थी पूरी,
मैट को धोना पड़ेगा, वहाँ पर ना दाग निकला नहीं है। तो गाड़ी की अभी कुछ ऐसी हालत है, अभी वॉशिंग होकर आएगी ना फिर देखना कैसे चमकेगी। तो आप गट्टे वगैरह साफ हो रहे हैं, बाकी यहाँ पे शोर बहुत हो रहा है, मशीनें चलती ना इनकी पंप वाली वो तो काफ़ी शोर हो रहा है। बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको टाइम लैप्स में देखा। तो गाड़ी हो गई हमारी वॉश, उतर रही है रैंप पे से, अब इसमें होगा कपड़ा, फिर देखो क्या है। अब देखो अब चमक गई ना गाड़ी, पहले कितनी गंदी थी अब फिर साफ हो गई, गाड़ी करवा ली है साफ, चमक गई अंदर से भी, सारा मैट वगैरह भाई ने साफ कर दिया, सीट वगैरह चलते हैं अब घर। तो क्या आया था मैं 2 बजे और बज चुके हैं 5, बहुत टाइम लग जाता है गाड़ी साफ करवाने में ना। चलो अब चलते हैं, अब साफ हो गई है, ये एसी का रिस्पांस अभी सही है, बाद में करवा लेंगे सर्विस तो करवाना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। पार्क और ये देखो मेरा ये एंटीना कौन मोड़ देता है पता नहीं, इसको नीचे रहने देगा, इसको मोड़ में से क्या मिलता है लोगों को। तो आ गए हैं घर और गर्मी, बाप रे कितनी गर्मी पड़ रही है, और पीयू सोई भी है, पीयू को भी उठाते हैं। ये सोई नहीं उठी है, उठो उठ जल्दी टिकलो भाई। ये देखो पीयू ने क्या कपड़ा पहना है। ये पियो हो गई है एकदम सज झज के तैयार, कहाँ जा रही हो पियो? ये क्या कर रही? अब देखो जा रही दादी के पास ही है। वो पियो कर रही है डांस, ये ओए होए पियो का स्टाइल, ये इसमें से सारा फ्रूटी निकाल लिया गिलास में, और देखो गिलास से फ्रूटी निकाला पाइप से पी रही है, अलग ही स्टाइल है भाई इसका। अच्छा एक छुपा करिए, फिर जल्दी आई इधर, कहाँ गई, चल इधर चल, टीका लगा जल्दी, फिर भाग गई, कहाँ गई, चल टीका लगा, चल टीका टीका टीका। स्कूटी से जा रहे थे मंदिर, तो मंदिर से तो आ गए थे घर, लेकिन जा रहे थे ना तो बोली थी पापा तेज चला दो, तेज चलाया ना स्कूटी, तो कह रही है पापा मौज कर दी, क्या कर कर दी क्या बोली पापा मौज कर दी। पीयू के पास देखो क्या है, किसका चोरी क्या है। तो खाना पीना खा लिया, करते वीडियो को समाप्त, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। अरे मोबाइल टूट जाएगा ना।